पटना में महाजुटान, मोदी के खिलाफ महाजुटान। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक, विपक्षी नेताओं का पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू। महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची, केजरीवाल और ममता आज पटना पहुंचेंगे, राहुल अखिलेश स्टालिन कल पटना पहुंचेंगे। मोदी के खिलाफ सब दल हुए एक, तो हारेगी बीजेपी, दिखने लगा है दम, क्या करेगी बीजेपी? कि बिहार में जो बैठक हो रहा है ये एक संकेत है कि आगे जो है परिवर्तन होकर हो रहा है। ये देश की जनता का चुनाव है तो देश की जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा, मोदी के नाम पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। पहला और अंतिम बैठक नहीं होगा, और भी बैठकें होंगी। नहीं, जो आता है वो जाता नहीं है क्या? अरे जो आता है कोनो अमृत भी क्या है क्या कोई इस दुनिया में? 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर पटना में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर रणनीति तैयार होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। 18 दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 20 जून को चेन्नई जाना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से दौरा रद्द हो गया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का संदेश लेकर गए थे और आज जब तेजस्वी लौटे तो विपक्षी एकता की बैठक पर खुलकर बोले। विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक पर उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव कोई व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि देश की जनता का चुनाव है। देश की जनता को अपना नेता चुनना है। परसों बैठक है और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस को मुक्त करने के लिए बैठक हो रही है। जो बीजेपी कहती है उसी बात को क्यों पूछा जा रहा है? जब सभी विपक्ष दल के सभी नेताओं ने खुल करके एक ही बात कही है कि बैठक किस लिए होने जा रहा है, वो तो स्पष्ट कर ही दिया सब लोगों ने कि बिहार में जो बैठक हो रहा है ये एक संकेत है कि आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। अब परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो सबसे ज़रूरी है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी ना हो रहा है, ये देश की जनता का चुनाव है तो देश की जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा, मोदी के नाम पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। एक व्यक्ति को बनाना है हटाना ये बात उस विषय है ही नहीं। इस बात को सब लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट हो जाइए, ये हमारा जो देश के लोग हैं ये उनका चुनाव है भाई, उनको चुनना है अपनी सरकार, उन्होंने आकलन किया है। और देश की जनता गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है तो उस आधार पे होगा। हम लोग अपना नीति क्या बनाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, अपनी बात रखेंगे। बैठक हो रहा है, सब लोग इसमें आएंगे, कोई पहला और अंतिम बैठक नहीं होगा, और भी बैठकें होंगी तो भाई सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे, क्या नीति होगा, क्या कार्यक्रम होगा, अपना एजेंडा लेकर के आ रहे हैं को लेकर के। अरे भाई सब जो भी विपक्ष के दले हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना एजेंडा रखेंगे ना। उन्होंने कहा कि आएंगे मोदी तो जाएंगे भी मोदी, जो आता है वो जाता नहीं है क्या? कोई अमृत पीकर दुनिया में नहीं आया है, ये गलतफहमी है जो पैदा किया जा रहा है। बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है, जो आता है वो जाता ही है। क्या लेना देना है? जाएंगे मोदी नहीं, जो आता है वो जाता नहीं है क्या? अरे जो आता है कोनो अमृत भी क्या है क्या कोई इस दुनिया में, तो ये गलत फहमी है। जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु तय है, और सत्ता किसी की बकौती नहीं है, जो आता है वो जाता है। हम लोग सत्ता में थे तो कोई सोचता था कि हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग भी हटे, विपक्ष में बैठे, तो ये ही तो खूबसूरती है लोकतंत्र। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिहार में शुक्रवार को विपक्ष के नेता एकजुट होंगे। इधर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक सेमेस्टर्स के लिए है और केजरीवाल एजेंडे के अध्यादेश को प्राथमिकता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर बैनर तो हम लोग को भी लगे हुए हैं,
ये महागठबंधन की ये बैठक हो रही है, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजेंडे को लेकर होड़ मची है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है सभी नेताओं को कि सबसे पहले ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अभी तक खड़गे साहब और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए समय नहीं दिया, पिछले एक महीने से प्रयास कर रहे लेकिन आज तक समय नहीं दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ में अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट चले गए और कह रहे कि पहला मिलिट्री फोर्स के अंतर्गत ही पंचायत का चुनाव होना चाहिए, और ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, जब कोर्ट ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स वहां रहेंगी। अरविंद केजरीवाल गहलोत को कह रहे हैं कि नीची हरकत मत करो, नीच हरकत जो शब्द प्रयोग किया उन्होंने, चोर कहा है गहलोत को और कहा नीच हरकत। और 1 जुलाई से अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तूफानी दौरे पर निकल रहे हैं। ये कौन सी एकता है? तो दिखावे के लिए एकता है, लेकिन क्या बंगाल में CPM और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं? क्या बंगाल में, चाहे दिल्ली हो या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? और इसलिए ये सब लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कांग्रेस को कि बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि UP छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ो। तो बेचारी कांग्रेस लड़ेगी कहाँ चुनाव? अगर इन 7-8 बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस को भगा देंगे, कहेंगे कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, ये भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत है कि कांग्रेस मुक्त भारत है? ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये तभी आगे बढ़ेंगी जब देश जो है कांग्रेस मुक्त होगा। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान शुरू हो गया है। विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची हैं। आज शाम दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के पहुंचने का समय है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा पटना पहुंचेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज ही पहुंचेंगे। सभी नेता स्पेशल फ्लाइट से पटना आएंगे। बता दें कि विपक्षी एकता की बैठक में 17 से 18 दलों के नेताओं का पहुंचना है। कुछ मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता आज पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ सीधे शुक्रवार की सुबह पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, NCP चीफ शरद पवार, UP के CM अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, झारखंड के CM हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला समेत कई अन्य नेता शुक्रवार की सुबह पहुंच रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक में आने वाले नेताओं के लिए स्टेट गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में रुकने का इंतजाम किया गया है। कुछ का होटल में भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।